हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, कैसे हम पता करेंगे और कैसे हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे, कैसे मतलब उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, वो आज हम सब कुछ आपको बताएंगे। और कैसे हम वहाँ से जो है, जो क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, वहाँ से कैसे जो है क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए हमारा गूगल है। ओके, अब हम यहाँ पर जो है सर्च करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे सीबीएसई वाला, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई डॉट डालेंगे एनआईसी। ठीक है, डॉट इन। ठीक, ये हमने देखिए ऊपर डाल दिया है, आप देखिए यहाँ पे है, इसी साइट पर आपको जाना है बच्चों। यहाँ पे देखिए हम लोग गए। ओके, जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, शिक्षा बोर्ड, और ये शिक्षा के क्षेत्र में समानता उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये इसकी मुख्य वेबसाइट है बच्चों, मेन वेबसाइट है। ये परीक्षा संगम है और ये परिणाम है, आप देख सकते हैं बच्चों, ये इसकी साइट है, रिजल्ट लिखा है कि नहीं लिखा। इसी पे क्लिक करेंगे तो ये जो साइट है वो खुल जाएगा बच्चों, और यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट, आपको साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि हमारा जो है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे लेटेस्ट न्यूज है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आपको प्रूफ कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट फॉर क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई 2024। ये बिल्कुल न्यू है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको उन लोग गुमराह कर रहे हैं जो YouTube पर, वैसा नहीं करना है, आपको इसकी साइट पर ही जाना है और वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। हमेशा आपको कुछ भी सर्च करना हो सीबीएसई से रिलेटेड तो आप अपनी इस साइट पर जाइएगा, आपको यहां पे लेटेस्ट जो न्यूज होगी वो आपको मिल जाएगा। तो आपसे आपका जो एग्जाम रिजल्ट है वो आपका साफ साफ पता चल गया है कि आपका रिजल्ट जो है वो 20 मई के बाद आएगा बच्चों। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 20 मई के बाद सर कब तक आएगा, तो 20 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका रिजल्ट बच्चों जो है घोषित हो जाएगा। ये हम आपको पक्की खबर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स भी हमारा यही चल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स फॉर क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 मई 2024 बच्चों। और हम एक आपको बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों, तो बच्चों आपने देखा कि मतलब आपका रिजल्ट 20 मई के बाद आ रहा है। और बच्चों कुछ ज़रूरी बात यह है कि जैसे आपको पता करना है, सीबीएसई जितने भी एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराती तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है ना। देखिए 2023 के रिजल्ट्स वगैरह, सीटेट वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स है बच्चों, सर करिकुलम एंड सिलेबस है बच्चों। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिलेबस के बारे में देख सकते हैं पूरा। ठीक है, बहुत ही छोटा है बच्चों, थोड़ा इसको बड़ा करके आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे जाइए तो आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा जरा इस जगह देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं यहाँ से आप, है ना। ये देखिए सर्कुलर्स है, ये आप यहाँ पे ये सर्कुलर्स है, इसको आप बैक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको पब्लिकेशंस भी वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इसको हम बैक करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं 2023 एंड 2024, मतलब किसी का भी आप सैम्पल क्वेश्चन किसी भी सन का चाहिए आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा और आराम से आप उसको देख सकते हैं बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए सब चीज़ें बताई है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मतलब यहाँ से हम हर चीज़ क्वेश्चन बैंक वगैरह भी है। देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक, मतलब क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ
है ना, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने सीबीएसई बोर्ड की जो साइट है cbse.nic.in पर, उस पर जाकर ये चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड हमेशा अवेयरनेस रहिए बच्चों, और हर चीज़ को देखिए समझिए कि हमें किस तरह से तैयारी करना है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास टेंथ का है, क्लास ट्वेल्थ का अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन बैंक होगा बच्चों वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले देखिए यहाँ लिखा है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक क्लास टेंथ, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, तीन सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना है उसको आप डाउनलोड करके आप उसको क्वेश्चन बैंक उसका देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों, कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई है, उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आप किसी बहकावे में ना आए, आप जब भी कोई चीज़ रिजल्ट के बारे में आपको देखना हो तो आप उसकी मुख्य वेबसाइट जो है cbse.nic.in पर जाएं और वहां से आप आसानी से चेक करें कि क्या हमारा परिणाम, और रिजल्ट भी चेक करने के लिए आपको बच्चों यहीं पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है, उसी जगह जहाँ पर आपको हमने दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे आप बैक करेंगे तो इसी जगह आपका जो है आ जाएगा रिजल्ट भी इसी जगह, ठीक है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है ना यहीं पर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा बच्चों। और यहाँ से आप रोल नंबर वगैरह डाल के आप जो है अपना रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया है बच्चों, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।